सामाजिक संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन समिति द्वारा बुधवार को कोठी मीना बाजार स्थित सत्तोलाला फूड कोर्ट पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा आगरा रत्न अवार्ड 2020 कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। संस्था के अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी और महामंत्री रोहित वडेरा ने बताया कि आगामी 20 दिसंबर 2020 रविवार को पचकुइया स्थित माथुर वैश्य महासभा भवन में आगरा रत्न अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8 कैटेगरी समाज सेवा, चिकित्सा, खेल, शिक्षा, नारी शक्ति, प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, कला, संस्कृति और नई सोच अवार्ड के अंतर्गत शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा, जिसमें संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 2016 में ये चालू हुई थी फाउंडेशन, और इसने 3 साल में इतनी तरक्की करी है कि फाउंडेशन के द्वारा हम लोगों ने पर्यावरण पे भी काम करा है, लोगों को ब्लड का भी काम करा है, जो ब्लड देते हैं उन लोगों को भी काम करा है, जबकि ब्लड हाल ही में नहीं मिल जाता, लेकिन यहाँ पर ब्लड बहुत अच्छे तरीके से डोनेट करके और सारे लोगों को दिया है। अब हमने 8 कैटेगरी निकाली है इसमें, जिसमें से कैटेगरी में हमने 8 कैटेगरी में महिला शक्तिकरण और खेल में चिकित्सा में और हर क्षेत्र में हमने 8 कैटेगरी निकाली है, उसमें हम लोगों को 20 तारीख को सम्मानित करेंगे। जिला की फाउंडेशन हर साल आगरा की प्रतिभाओं को आगरा रत्न अवार्ड से सम्मानित करता है। इस साल भी आगरा रत्न अवार्ड 2020 का आयोजन माथुर वैश्य में बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई से बॉलीवुड के डायरेक्टर, आगरा के सांसद, विधायक, व्यापारी सब मंच में मौजूद होंगे, और 8 कैटेगरीज में शिक्षा, समाज सेवा, खेल, नारी शक्ति, पशु प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, ऐसे 8 कैटेगरीज में हम आगरा की प्रतिभा को सम्मानित करेंगे। हम लोगों का मेन उद्देश्य यह है उन लोगों को सम्मानित करें जिससे और भी लोग उनसे प्रेरित होंगे, अपने शहर और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और ऊंचाइयों तक।